subscribe to my channel KZ on Rides and hit the bell icon for the latest news and updates. Hey guys, welcome back to the channel KZ on Rides. आपने मेरा लास्ट का वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको ड्राइविंग के बारे में बताया था. आज के इस वीडियो में बताने वाले आपको डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राइविंग, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सीट. तो सीट एडजस्टमेंट कर लीजिए आपके हिसाब से. तो अगर आपको पीछे लेना है तो आप पीछे ले सकते हो सीट, या फिर आपको लगता है कि पीछे लेने के बाद आपके पैर नहीं पहुंचेंगे तो आप जो है आगे ले सकते हो. ठीक है. सो मेक श्योर करें आप एकदम भी आगे ना लें, क्योंकि अगर आपने ऐसे पूरी की पूरी सीट आगे ले ली तो जब आप क्लच ब्रेक रेस पे कंट्रोल करोगे तो आप ये देख सकते हो मेरा पैर है ना ऐसे नीचे नहीं जाएगा, और फिर मुझे अगर अर्जेंट में लगे तो पैर ऊपर लाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. सो आई थिंक दिस इज द राइट पोस्चर फॉर मी सो दैट आई कैन मैनेज थ्री ऑफ देम. राइट. इसके अलावा अगर आप साइड में देखो, ये रेस्ट है, रेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो. इसको आपने अगर ऊपर उठाया तो सीट आगे आ जाएगी, और अगर आपने इसको दोबारा से उठा के थोड़ा सा प्रेशर डाला तो सीट पीछे चली जाएगी. तो मेक श्योर करो आप एकदम भी पीछे रिलैक्स बैक होके ना गाड़ी चलाओ, और ना ही एकदम से सीट को अपने कंधे पर, बिकॉज अगर आपने ऐसी गाड़ी चलाई तो शोल्डर दुखने लगेंगे. एंड इसके अलावा है स्टेयरिंग. स्टेयरिंग को भी आपको जो है नॉर्मली कंट्रोल करना पड़ता है. तो स्टेयरिंग पे अगर आप देखो तो दो ऐसे साइन है, तो आप हमेशा हाथ ऐसे रख के गाड़ी चलाइए. और जैसे भी अगर आपको टर्न लेना है या फिर आप जो है स्टेयरिंग घुमाना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसे करके स्टेयरिंग मत घुमाइए, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के मत घुमाइए. आप जो है स्टेयरिंग नॉर्मली ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं. ओके. तो इससे क्या होगा कि हाथ एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होंगे, एंड ऑफकोर्स एक्सीडेंट का कम चांस होगा, नहीं तो कंट्रोल छूट जाएगा. इसके अलावा आपको मिरर सेट करना है, रेयर व्यू मिरर ये है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. अगर आप जो है मेरा लेफ्ट वाला मिरर देखोगे, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, लेफ्ट वाला मिरर में आपको दिख रहा है कि एक मतलब गाड़ी की लाइन दिख रही है आपको, जो कि विजिबल होना चाहिए हर एक मिरर में, नो मैटर इट्स राइट और लेफ्ट और राइट. क्योंकि अगर आपने देखा वो जो लाइन मैंने बताया है वैसे अगर आप रखोगे तो जजमेंट बहुत अच्छा होगा. एटलीस्ट उस लाइन में क्या दिख रहा था कि कंप्लीट पीछे तक आपकी गाड़ी नजर आ रही थी. जब आप टर्न लोगे या फिर आपको लेफ्ट लेना है राइट लेना है तो आप उस हिसाब से जजमेंट ले सकते हो. सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट वे टू गेट डाउन फ्रॉम अ कार. सो अगर मुझे कार में से उतरना है सो आई विल कीप माय लेग इन अ 90 डिग्री पोजीशन एंड देन आई विल कम आउट ऑफ द कार. सिमिलरली अगर मुझे बैठना है नॉर्मली सो आई विल पुट वन ऑफ माय लेग इनसाइड एंड टेक द अदर वन इनसाइड. दिस इज द एक्चुअली द वे आई यूज. एंड बहुत बार होता है कि हम लोग फॉर्मल्स पहनते हैं और मे बी अ पार्टी ड्रेस, इन दैट केस ये वाला पोजीशन काम नहीं आएगा. तुम क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू गेट डाउन तो हम दोनों पैर बाहर ले लेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट वॉकिंग. एंड अगर बैठना है तो सेम वे पे, ठीक है, मैं इस तरीके से बैठ जाऊंगी एंड देन आई विल टेक बोथ माई लेग्स इनसाइड. नाउ लेट्स बिगिन विद द थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाइल ड्राइविंग. तो सबसे पहले क्लच है, तो अगर मुझे गियर चेंज करना है सो मैं पूरा क्लच कंप्लीट क्लच प्रेस करके गियर चेंज कर सकती हूँ. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, बहुत लोग है ना क्लच छोड़कर पैर ऐसे ही रख देते. सो क्या हो जाता है, हल्का सा क्लच आप देखो ना, अगर मैंने पैर भी रखा है तो हल्का सा क्लच दबा हुआ है. कैन यू सी दिस, राइट. और बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच ऐसे दबा देते. तो यू शुड नॉट डू लाइक दिस, क्योंकि इससे जो है क्लच प्लेट खराब हो जाएगी. सेकेंडली बहुत लोग जब गियर डाल देते हैं, गियर चेंज कर देते हैं, तो हाथ ऐसे ही रख देते हैं एंड एक हाथ से ड्राइव करते हैं. सो इस पोजीशन से क्या होता है, आपका वेट जो है थोड़ा बहुत ये गियर बॉक्स पे चला जाता है, तो लॉन्ग रन में ही आपका गियर बॉक्स आपको प्रॉब्लम दे सकता है. तो आप ऐसे डायरेक्टली हाथ मत रखिए. ऑफकोर्स द राइट पोजिशन इज दिस, आप ऐसे गाड़ी चलाइए. और आपको बताना था मुझे कि बहुत बारी क्या होता है, हमने गाड़ी पार्क कर लिया धूप में, तो धूप में पार करने से क्या होता है, बाकी डायरेक्टली गाड़ी में बैठ जाते हैं. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट एसी चालू करके गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं. तो इसके अलावा मेरे पास एक सजेशन है, आप ऐसे मत कीजिए, आप आकर बैठिए गाड़ी में, चारों विंडो जो है आप ओपन कर लीजिए,
जैसे ही आपने ओपन किया विंडो, आप थोड़ा सा ड्राइव कर लीजिए, उसके बाद ये है आप एसी ऑन कर सकते. तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट इज कि पहली बात तो आपने जो है गाड़ी में वेंटिलेशन लेकर आ गया, एंड देन यू हैव यू नो यू बिगेन टू हैव दिस कोल्ड एयर, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है. राइट, लास्टली आपको मुझे बताना था कि पार्किंग, लास्ट वीडियो में मैंने पार्किंग के बारे में आपको बताया था, बट यू नो देर आर डिफरेंट वेज दैट वी डू पार्किंग. एक तो होता है आप नॉर्मल पार्किंग करो जो कि स्टिल पार्किंग होती है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्लच ब्रेक दबा के छोड़ दिया, गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया. ठीक है, सो अगर मैंने गाड़ी को अभी न्यूट्रल में कर दिया है, मुझे हैंड ब्रेक खींचना कंपलसरी है, तो ये हो गया स्टिल ब्रेक, स्टिल पार्किंग जो आपने कर दी. कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी पार्किंग स्लोप पे है, तो दो टाइप का स्लोप होगा, एक तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ. राइट, तो अगर आपका स्लोप ऊपर की तरफ है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हो, क्लच ब्रेक ऑफकोर्स आप प्रेस करके गाड़ी रोक दोगे, तो आप जो है नाउ सिंस द स्लोप इज लाइक दिस, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, पीछे आने का ज्यादा चांसेस है. राइट, तो आप जो है आगे वाले गियर में डाल दीजिए, मे बी फर्स्ट और फिफ्थ गियर, जैसे भी आपको चाहिए, आप उस गियर में डालकर गाड़ी को पार्क करके आराम से फ्रीली जा सकते हैं. अगर आपके जो पार्किंग आपने किया है जहां कहीं पर भी, वो जगह इस तरीके से है, ओके, विच इज लैंडिंग डाउन, तो आप जो है रिवर्स गियर डालिए. जब रिवर्स गियर पे गाड़ी छोड़कर जाओगे विथ ऑफकोर्स हैंड ब्रेक पुल्ड, तो उसे क्या होगा, आपकी गाड़ी मोशन में नहीं आएगी. तो दिस इज यू नो वन काइंड ऑफ सेफ पार्किंग दैट वन शुड डू. सो या ऑल इन ऑल दिस इज व्हाट आई हैव टू से इन दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल KZ ऑन राइड.